अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं अचारी चिकन होममेड मसाले से। आप हमारे तरीके से बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनेगा। आइए तो हम इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। हाफ के जी हमने चिकन लिया है, 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, 2 मैंने टमाटर लिए हैं जो कि पीस लिए हैं, 2 टेबल स्पून मैंने दही के लिए हैं, 1/2 टी स्पून मैंने नमक लिया है, आप अपने नमक हिसाब से डाल लीजिएगा, 1 टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून से कम मैंने लाल मिर्ची पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। अचार गोश का मसाला, सौंफ, जीरा, मेथी दाना, सरसों 1-1 टीस्पून लेना है और 1/2 टीस्पून हमें लेना है कलौंजी। इसको हम हल्का सा भून लेंगे, फिर इसके बाद दरदरा पीस लेंगे। अभी हमने रोस्ट कर लिया है, अभी ठंडा हो जाए तो हम इसको दरदरा पीस लेंगे। चलिए, ये हमने दरदरा पीस लिया है, इसमें से 2 टीस्पून हम निकालेंगे, जो कि हम ये हरी मिर्चें रखी हुई हैं इसके अंदर 1 नींबू का रस मिलाकर और इसके अंदर हरी मिर्चों में मिलाएंगे हम, जो कि लास्ट में डालेंगे दम पे। हम ये सब मिला के इसमें पानी डाल के पेस्ट बना लेंगे इसका। इसमें हमने पानी मिला लिया है, इसका हम पेस्ट बनाएंगे। 200 ml मैंने घी लिया है, मैं ज़्यादातर अपने घर में घी में ही बनाती हूँ, आप चाहे तो ऑयल भी। इसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज को आपको बिल्कुल लाइट ब्राउन करना है। हमें इतनी ही प्याज करनी थी, अब इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और साथ में हम चिकन भी डाल देंगे। अब हमने इसमें चिकन डाल दिया है, 1 या 2 मिनट के लिए इसको बस भूनना है। चलिए, अब हम साथ में टमाटर प्यूरी भी डाल देंगे। मैं चिकन का अचार गोश बना रही हूँ, इसी वजह से मैंने टमाटर पीस लिए हैं, और आप मटन का बनाओ तो इसमें मत पीसिएगा। चलिए, इसमें हम मसाला भी ऐड कर देंगे और साथ में दही भी डाल देंगे। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, दही के पानी में ही ये बन जाएगा। अब इसको हम ढक के रख देते हैं। चलिए, हम मसाले में नींबू अच्छे से निचोड़ लेते हैं। आप हरी मिर्चों को इस तरीके से काट लीजिएगा और फिर बीच में इस तरह आप मसाला भर लीजिए। हमारा चिकन अब गल चुका है, मैंने बीच में चमचा एक बार चला दिया था। अब इसमें हम डाल देंगे जिसमें हमने मिर्चों में मसाला भरा था, और इसको हम 3 या 4 मिनट के लिए ढक के रख देंगे बिल्कुल हल्की आंच पे। हमें 5 मिनट हो चुके हैं, हमारे अचार चिकन बनके तैयार हो चुका है, और साथ में देखिए मेरे पराठे भी रेडी हो चुके हैं। अब इसको सर्व कर लेते हैं। ये देखिए, हमारी डिश बनके तैयार हो चुकी है, साथ में मैंने इसके साथ पराठे भी बनाए थे। माशाल्लाह, ज़रूर बोलिएगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आपको कैसी लगी हमारी डिश।